नाजरीन, ड्रामा सीरियल का एक नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। जमदा जब पाशा खान को पामीर की कब्र पर फातिहा के लिए घर से निकलते देखती है तो वो फौरन बादल खान को कॉल करती है कि पाशा खान पामीर की कब्र पर जा रहा है। जमदा बादल खान से कहती है कि पाशा खान वहाँ बिल्कुल अकेला होगा, तुम्हारे लिए अच्छा मौका होगा पाशा खान को जान से मारने का। जब पाशा खान पामीर की कब्र पर जाता है तो जिंदल खान और बादल खान पहले ही वहाँ मौजूद होते हैं। बादल खान पाशा खान को मारता है और उसे दरख्त से बांध देता है। पाशा खान बादल खान से कहता है कि तुम कौन हो, तो बादल खान उन्हें कहता है कि मैं वही हूँ जिसे ढूंढने के लिए तुम लोगों ने सारे गाँव वालों का जीना हराम कर रखा है। बादल खान पाशा खान को कहता है कि मैं ही बादल खान हूँ जिसने तुम्हारे भाई गुलाब खान का भी कत्ल किया और अब तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों ही लिखी है। जिंदल खान को देखकर पाशा खान हैरान हो जाता है तो जिंदल खान पाशा खान को कहता है कि दुराब खान ने ज़मीन के मामूली से टुकड़े की वजह से मेरे बाप का अंगूठा काटा था, अब मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। जिंदल खान और बादल खान मिलकर ही पाशा खान को जान से मार देते हैं। वहाँ दुराब खान पलास खान को कहता है कि तुमने अपने चाचा का दायां बाजू बनकर रहना है। दुराब खान पलास खान से कहता है कि तुमने पाशा खान को पामीर की कमी महसूस नहीं होने देंगी। दुराब खान और पलास खान यही बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें पाशा खान पर किए गए हमले की खबर मिलती है। वो तमाम गार्ड्स के साथ जंगल की तरफ निकलते हैं। उनके पहुंचने तक बादल खान और जिंदल खान पाशा खान को जान से मार चुके होते हैं। बादल खान और जिंदल खान अभी वहीं मौजूद होते हैं, उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों तरफ गोलियां चलती हैं। पामीर निशाना बांधता है तो गोली जिंदल खान की टांग में लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है।